हेयर्स एंड हैंडसम बॉय। आज मैं आपसे बहुत ही इफेक्टिव हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ। याद है आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने बालों को लंबा, काला, घना बना सकते हैं। उसी में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे अलग अलग टाइप के हेयर मास्क को शेयर करूंगी जिससे आपके बाल और हेल्दी हो जाए। अगर आपने वो वीडियो में अभी तक नहीं देखा है तो आप अभी भी देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको आई वाला मार्क दिखेगा और उस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जो अगला वीडियो में लाने वाली हूँ ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस वीडियो के बाद में आपको ग्लोइंग फेस की टिप्स देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे आज की हेयर केयर टिप्स। ये ले लिए मैंने एलोवेरा की बड़ी सी पत्ती, क्योंकि मेरे बाल बड़े हैं। मैंने आसपास के कांटे सारे साफ कर दिए हैं। अब मैं बीच में से चीरा लगाऊंगी और उस पर सारा गुदा निकाल लूंगी और मैं उसको डालूंगी मिक्सर में। मिक्सर में मैंने पीस लिया है, देखिए आप कितना अच्छा हो गया है ये। अब मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ शहद। शहद जो है आपके बालों की ब्रेकेज को रोकेगा, मतलब रिड्यूस करेगा, आपके बालों को कंडीशनिंग देगा, इम्प्रूव करेगा हेयर की क्वालिटी और हाँ ये शाइनिंग बनाएगा। अब मैंने ऐड किया है नींबू। नींबू से क्या आपके बाल हेल्दी और स्मूथ होंगे, हाँ आपके वॉल्यूम बढ़ जाएगी बालों की। अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ विटामिन ई की कैप्सूल्स। ये क्या करती है, हेयर ग्रोथ को एकदम फास्ट कर देती है और आपके स्प्लिट एंड्स को रोकती है और सिल्की और स्मूदी बनाती है बालों को। मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लूँगी ताकि इक्वली सारे मेरे बालों में लग जाए। देख रहे हो आप मेरे बालों को कैसी क्वालिटी हो रही है, आपस में बिल्कुल सिल्की एकदम नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने बनाया है ये मैजिकल हेयर मास्क। अब मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये मेरे बालों में अच्छे से लग जाए। ये मिक्स हो गया है। अब मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है अप्लाई करना। आप देख रहे हो ध्यान से, मैं ये अप्लाई कर रही हूँ सारी रूट्स पे, मैं लगाऊंगी जड़ों पे और उसके बाद मैं बाकी के पूरे बालों पे लगाऊंगी। देख रहे हैं आप मैं किस तरीके से सारे पहले जड़े कवर कर रही हूँ, एकदम थोड़ा सा मसाज ले रही हूँ धीरे धीरे। मैं इतना फास्ट नहीं लगा रही हूँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा फास्ट मोशन में किया है यार, इतने फास्ट भी नहीं हूँ। अभी देखो मैंने पीछे साइड भी लगाया है, सारी जगह इस तरीके से आपको कवर करके लगाना है, पीछे आगे सब जगह, सब 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 सब। फाइनली लग गया है पूरे बालों पे। अब मैंने उसको पैक कर लिया है। मैं कम से कम 20-30 मिनट्स इसको रखूंगी, मैक्स टू मैक्स आप 1 घंटा रख सकते हैं और आप इंजॉय करें। बिल्कुल बाबा जी बन गई हूँ मैं, देखो कैसे हो रहे हैं मेरे बाल। तो ये था मेरा मैजिकल हेयर मास्क। इसको लगाने के बाद आपको इसको हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश के टाइम ध्यान रहे कि आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो थोड़ा सा मॉइस्चर वाला शैम्पू हो, एकदम ड्राई शैम्पू से कभी बाल वॉश नहीं करने चाहिए। हाँ जब आप ऑयलिंग करो तब थोड़ा सा ड्राई शैम्पू आप ले सकते हो, बट यूजुअली आप मॉइस्चराइज वाला शैम्पू ही यूज करो। अब हमने शैम्पू कर लिया, अब हमारे बाल तो अच्छे हो गए, बट हमको बाल को हमेशा सुंदर बनाए रखने के लिए हमेशा उस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ इट मीन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप एक बार हेयर मास्क लगाएं, फिर अगले हेयर वॉश पे आप हेयर ऑयलिंग करें। तो हेयर ऑयलिंग का वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको हेयर ऑयलिंग करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लस यहाँ ऊपर भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देखें किस तरीके से हेयर ऑयलिंग करनी है, हेयर ऑयलिंग करें और मुझे रिजल्ट्स बताना मत भूलें। मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारी चीजें लगा रही हूँ, तो आपको उसको इफेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो मुझे जरूर बताना ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। आप मुझे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हैं, मैं सब जगह हूँ, आई एम एवरीवेयर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपको इन सब के लिंक मेरे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां जाएं, क्लिक करें, फॉलो बटन को प्रेस करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। गुड बाय।